हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अजय कोटे लाइव फ्रॉम रायपुर। तो आज हम लोग एमपीएस सर्किटल लॉ का लास्ट एप्लीकेशन करने वाले हैं। सिलेंड्रिकल वायर के अंदर बाहर उसके सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उसके ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। तो आज एक ही टॉपिक रखा हूँ आज के लेक्चर में। सोलेनाइड, टोराइड, ये सब हो चुका है आप लोग का जो है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने वाला जो पोर्सन है, अलग अलग शेप के कारण, अलग अलग करेंट्स के कारण, तो उसका ये एंडिंग पार्ट चल रहा है आपका। उसके बाद इसको फोर्सेस वगैरह वाला पार्ट सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले सोलेनाइड बेस में एक अलग अलग क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोग को। तो आइए सभी लोग जल्दी से लाइव। हाँ चलिए, फिर हेडिंग डालिए आप लोग। एम्पियर सर्किटल लॉ याद है ना आप लोग को, ठीक है। हाँ, एम्पियर सर्किटल लॉ जो पढ़ते थे वो क्या होता था। एम्पियर सर्किटल लॉ जो है, एम्पियर सर्किटल लॉ ये बोलता था कि ये सपोज करो आई करंट फ्लो हो रहा है, ये जो है, तो इसको ऐसे एक क्लोज आपका एक स्ट्रिंग, एक रस्सी से आपको बंद कर देना है, एक लाइन से क्लोज उसको बंद कर देना रहता है। और इसी के अलावा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये जो आप जो लाइन माने हैं ऐसे क्लोज किए, उस पर जो लेते हैं डी एल, तो दोनों बीच का एंगल अगर थीटा है तो ये जो है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। ये आपका था एम्पियर सर्किटल लॉ। इसी पूरा लॉ का हम लोग अप्लाई करेंगे और हम लोग देखेंगे कि सिलेंड्रिकल में अगर करेंट फ्लो हो रहा हो, सिलेंडर कहने का मतलब क्या है, दैट मीन्स क्या है, जैसे कि मेरे पास है ये एक ऐसा एक शेप है, सपोज करो ये रेक्टेंगल है, ये वाला एक रेक्टेंगल है, ये वाला जो है मेरे पास ट्राइपोड है उसका ये रेक्टेंगल है। अब जो है इसमें करेंट फ्लो हो रहा है, बोल रहा हूँ ऐसे रेक्टेंगल शेप में करेंट फ्लो हो रहा है। तो रेक्टेंगल शेप में अगर करेंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इधर अगर पार्ट में देखेंगे, इस वाले पार्ट में, तो इसके पूरा एरिया में करेंट फ्लो हो रहा है। इसमें ऐसे करेंट फ्लो हो रहा है, ऐसे करेंट फ्लो हो रहा है, ऐसे, मतलब इसमें एरिया के इसके हर पॉइंट में आपका, इसके हर पॉइंट में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है आपका, मतलब थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया करंट कांस्टेंट है, मतलब इधर इधर सब जगह पर यूनिट एरिया जो करंट है सेम फ्लो हो रहा है, ठीक है। आपको कई ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं जिसमें अंदर के एरिया में ज़्यादा करेंट फ्लो हो रहा, बाहर की तरफ कम करेंट फ्लो हो रहा, ऐसा भी बनाया जा सकता है क्वेश्चन जो है। बट इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें इसके सिलेंडर में पूरा ऐसे करेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपको जो करंट मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, इसके आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, इसके सरफेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और वायर के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये सारे चीज़ें हम लोग को पता करना है हम लोग को, ठीक है। हाँ, तो इसको हम लोग पता कर सकते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के हेल्प से। और इसको याद रखेंगे, इसके न्यूमेरिकल आता है, ग्राफ भी आता है आपका जो है, ठीक है। हाँ ओके, तो अब देखते हैं इधर जो है, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग यूनिफॉर्म करेंट थ्रू आउट इट्स एरिया। ओके, ये अपना आज का हेडिंग। अब जो है, अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि लॉन्ग वायर है ना, लॉन्ग वायर मतलब इन्फाइनाइट वायर लेना है आपको। ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। इसका जो रेडियस है, ये रेडियस आपको कैपिटल आर दिया गया है, ठीक है। हाँ, और इसका लेंथ बहुत लंबा है ना, लॉन्ग, दैट मीन्स आप इन्फिनिटी मान सकते हैं इसको जो है। हाँ, अब इसमें करेंट फ्लो हो रहा है, तो करेंट फ्लो हो रहा है वो पूरे एरिया में करेंट फ्लो हो रहा है, मतलब
थ्रू आउट द एरिया करेंट डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका इक्वली, ये पॉइंट इसका मेन है यहाँ पर। यस है, सभी जगह आपका ये करेंट फ्लो हो रहा है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है, करेंट का डायरेक्शन ऊपर है ना। मैग्नेटिक फील्ड आपको बाहर पता करना है, ये बाहर पता करना है, इस जगह पे पता करना है, सरफेस पे पता करना है और इनसाइड द सरफेस। ये तीन पॉइंट है आपका जहाँ पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, बाहर सरफेस पर और अंदर में आपका, ठीक है। तो एम्पियर सर्किट लॉ इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे एम्पियर सर्किट लॉ यूज करेंगे उसे देखिए अब जो है, ठीक। मुझे जैसे ये बाहर में पता करना है, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, ठीक है। तो उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है तो मैं उतना रेडियस का, यहाँ पर जो है जैसे यहाँ से मैं इस जगह पे पता करना है तो स्मॉल आर रेडियस का एक ऐसे एक रिंग बनाऊंगा, एक रिंग, और उस रिंग में इसको बंद करूंगा, ऐसे ये क्लोज करना रहेगा ना मुझे, ऐसे क्लोज कर दिया ये वाला जो है, समझ आ रहे हैं आप लोग को। कैसे क्लोज किया गया है, ऐसे ये वायर है, ये वायर है ऐसे, तो इसको ऐसे बंद किया गया है, जितना रेडियस बोला गया है ना उसमें डैश 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 करके उसको ऐसे एक लाइन से बंद कर दिए हैं, ठीक है। पिछले क्लास में समझाया था जैसे, अब जो है, अब जो आप जैसे बंद किए हैं तो ऐसे जैसे ये करेंट है, ये करेंट है आपका, है ना, इतना मोटा है लेकिन वो, तो इसके कारण यहाँ पर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ये अंदर की तरफ होगा, डीएल का जो डायरेक्शन होगा ये डीएल, वो भी ऐसे रेडियली और अंदर की तरफ हो रहा है, हो रहे हैं ना। आप ऐसे रेडियस ले लो ना, ऐसे करके एक सर्कल ले लो ऐसे, फिर उसमें जैसे पिछले क्लास में समझे थे तो डीएल के साथ जो एंगल जो रहेगा हमेशा आपका जो है 0 डिग्री ही बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का। इसी को मैं बना देता हूँ ऊपर, अगर बना दूँ ऐसे, यहाँ से अगर व्यू देखें, या अगर ये जो है इसको मैं टॉप व्यू अगर बोलूँ, तो टॉप व्यू में जो डायग्राम रहेगा वो कुछ ऐसे रहेगा। यहाँ पर करंट बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ पे जो करंट है ये बाहर निकल रहे, आई है, ये आई है ना, ठीक है, ये आई बाहर निकल रहे हो, यूनिफॉर्मली है ये सभी तरफ समान रूप से बटा है। अच्छा, आपको ये जो रिंग बनाए हो आप जो उसको क्लोज किए हो वो ऐसा है कुछ, ये इस तरीके से है ना। अच्छा, अब ये जो डीएल जो है, ये डीएल इस तरफ है आपका डीएल, ये रेडियस है आपका स्मॉल आर, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन देखोगे तो वो भी ऊपर के साइड ही है, तो ये डीएल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है यहाँ पर जो है ना, तो थीटा बनेगा 0 डिग्री। सिमिलरली सभी जगह के लिए वैसी है, यहाँ पर ऊपर में भी देखेंगे डीएल इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही होगा आपका। देखो जिधर लेंथ है ना उधर ही मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, करेंट बाहर आ रहा है ना, ये पाम रूल यूज कर, राइट हैंड पाम रूल, तो सभी जगह एंगल जो है 0 डिग्री बन रहा है, ये तो समझ आ रहा होगा आप लोग को जो है, ठीक। यही डीएल और इसी तरफ आपका ये मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो इसको ये फार्मूला यूज कर रहे हैं यूजिंग बायो एम्पियर सर्किटल लॉ। सो क्लोज इंडिकेशन आप बी डॉट डी एल करेंगे तो इसके इक्वल होगा क्या होता है, म्यू नॉट आई होता है, ये किसके अनुसार से, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ। अच्छा, आप देख लेते हैं, आप जो है बी डॉट डी एल करोगे, बी डी एल कॉस थीटा होता है तो थीटा का वैल्यू यहाँ 0 डिग्री होगा, पिछले बार जैसे किए थे वैसे ही सेम आएगा, इसमें देखना ये हो गया म्यू नॉट आई, आई इनक्लोज्ड, आई क्या होगा यहाँ पर इनक्लोज्ड, तो बी तो जो भी करंट के कारण डिस्टेंस वही है तो सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा आपका डी एल, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है तो म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी डी एल का सम करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये डी एल तो सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा, दैट इज योर 2πr, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज कितना है, इसके अंदर में कितना चार्ज आया, इसको करेंट आया, पूरा करेंट आ गया है ना, तो पूरा करंट आया, टोटल करंट आई लिख दिया जा रहा है, तो बी का वैल्यू मिलेगा यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन, ये लाइन आएगा नहीं आ रहा है, इधर लिख देता हूँ, बी का वैल्यू मिल रहा है म्यू नॉट अपॉन 2π, ठीक है, और है आई बाई आर, यही मिल रही है म्यू नॉट आई नीचे 2πr, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग म्यू नॉट अपॉन 4π और ये जो है 2i/r, ये जो है। तो ये इन्फोनाइट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता था, इन्फोनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकलता था, वही सेम मैग्नेटिक फील्ड है ना वहां पर जो है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पता किया, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड पता किया है, ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर सरफेस पर भी पता करना है हम लोग को और सरफेस के अंदर भी पता करेंगे।
हाँ नोट कर लिए, यश प्रताप सिंह सेंगर हाय लिखे हैं, जय हिंद जय हिंद। अमरेश प्रधान गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग, ख्याति आ गई है। चलिए हो गया ये वाला, अब देखते हैं हम लोग सरफेस पर देखते हैं। तो सरफेस पर देखेंगे तो उतना ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होगा। ये जो है आपका बी आउटसाइड है, बी आउटसाइड, इसमें एक समरी लिखाऊंगा ना लास्ट में, ठीक है। हाँ ये बी आउटसाइड हो गया। अब मुझे पता करना है दूसरा चीज जो है ऑन द सरफेस। ये पहला पता किया, ये वाला पहला जो है ये पहला था ना, ऐसे नोट कर लेना, आउटसाइड द सरफेस। दूसरा जो है आपका लिखा जा रहा है आपका जो है ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस जब पता करेंगे तो ये जो रेडियस जो लिया जा रहा है यहाँ पर जो है आपको सरफेस पर पता करना है, तो यहाँ पर पता करेंगे तो ये स्मॉल आर होगा, तो स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के इक्वल हो जा रहा है। इसमें जब इसको क्लोज किया जाएगा ऐसे ऐसे, जब इसको क्लोज करेंगे तो इसमें आई इनक्लोज में कोई फर्क पड़ेगा क्या? आई इनक्लोज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो लेंथ हो जाएगा यहाँ पर जो बना है, ये वाला जो डायग्राम बन जाएगा जो क्लोज करेंगे आप जो है डीएल लेके, तो ये स्मॉल आर जो है ये कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। और इसी किनारे किनारे ऐसे ऐसे करके आप क्लोज कर रहे हैं ऐसे करके जो है, ठीक है। तो ये सभी कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऐसी उसी डायरेक्शन में जैसे हो रहा था वैसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम रहेगा आपका, क्या बदलेगा उसे देख लेते हैं। बी तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये 2 पाई आर जो है इसके जगह हो जाएगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई कैपिटल आर आ जाएगा। आई इनक्लोज टोटल आ जा रहे हैं, टोटल सभी करंट आ जा रहे हैं, तो आई इनक्लोज की जगह आई ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा फाइनल रिजल्ट में कैपिटल आर ओनली आएगा, तो ये कैपिटल आर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका जो है ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस में ये आ जाएगा आपका जो है, ठीक है। μ0 अपॉन 4π 2i/r ऑन द सरफेस। अब मेन चीज है आपका जो है इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस क्या होगा उसको देखते हैं आप जो है। अब देखेंगे हम लोग इनसाइड द सरफेस, कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक। हाँ चलो अब इसको मिटा दे रहा हूं ना, आप लोग ये सेकेंड पार्ट में पूरा लिखने का आपको जरूरत नहीं है, सेकेंड पार्ट में आप लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या लिख देंगे, ये पार्ट भी लिखेंगे ऑन द सरफेस। तो ऑन द सरफेस में हो जाएगा आर इक्वल टू आर हो जाएगा, आई इक्वल टू आई ही रहेगा, तो उस केस में बी जो हो जाएगा आपका μ0 अपॉन 4π और 2i/r होता था ना, तो आर की जगह कैपिटल आर लिखा जाएगा, तो ये ऐसे लिख दिया जाएगा बी सरफेस पर जो रहेगा। तो सिंपल इतना लिख सकते हो आप उसे जो है, ठीक है। आई नहीं बदला है क्योंकि रेडियस पर बदला है। अगला चीज लेते हैं अंदर, अब हम लोग बात करते हैं अंदर क्या मिलेगा हम लोग को। पार्ट सी, इनसाइड द वायर। अब इनसाइड द वायर जैसे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड पता करना है इस डायग्राम में, हम लोग को अंदर पता करना है, इस जगह पे पता करना है, और ये जो रेडियस है स्मॉल आर, मतलब ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, टोटल रेडियस कैपिटल आर है। तो आपको ये देखना है कि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, तो इसको प्रोड्यूस कौन कौन कर रहा होगा। तो इसको ऐसा डैश 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 करके हम लोग गोला बनाएंगे और इसके अंदर देखेंगे कितना करेंट आया है। तो कितना करेंट आया है उसको देखने के लिए इसके अंदर में आई इनक्लोज आपको पता करना रहेगा। तो जैसे इस डायग्राम में है तो इनसाइड जब पता करेंगे आप जो है, इसी वाले में ध्यान दीजिएगा, ये टोटल रेडियस तो आर है, टोटल रेडियस आर है, यहाँ पर जब पता करना रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है। तो ये जो एरिया मतलब रेडियस स्मॉल आर है, तो इसको मैं डैश डैश करके यहाँ पर एक लाइन से इसको बंद करेंगे, तो आई इनक्लोज यहाँ पर जब भी मैं ये वाला जब यूज़ करूंगा बी डी एल आपका यूज़ करेंगे, तो इस तरफ आएगा μ0 I इनक्लोज आएगा ना। तो सबसे पहले आई इनक्लोज हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर में पूरा करंट नहीं आया है, कुछ करंट बाहर में छूट गए हैं आपका जो है, ठीक है। तो आपको हर केस में जैसा भी केस दिया रहे, जो भी क्वेश्चन दिया रहे, उसमें आपको ट्राई करना है कि आई इनक्लोज निकालें ये वाला पार्ट का जो करेंट जो है, ठीक है। ऐसे भी सिचुएशंस हो सकते हैं, जैसे कि देखिए आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, यहाँ पर आपके ज़्यादा करेंट हो यहाँ पर अंदर में,
ये, और बाहर के साइड कम, ऐसा हो सकता है आपका जो है, ठीक है, ये ऐसे टाइप का दिया जा सकता है जहाँ करेंट इसमें क्या हो, बताओ आपका जो है अल्फा बाय ए हो, ऐसे टाइप का कोई रिलेशन दिया है, मतलब एरी या अल्फा बाय आर, अल्फा बाय आर ए हो आपका जो है ऐसे आई, ठीक है, तो ऐसे टाइप का दिया है। इसका मतलब क्या है, रेडियस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो करेंट का वैल्यू डिक्रीज होते जाए, ऐसा हो सकता है ना, है ना, रेडियस जैसे जैसे बढ़ते जाए तो करेंट का वैल्यू इनके डिक्रीज होते रहे, ऐसा भी हो सकता है आपका, या इसके उल्टा भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये तो ऐसी इक्वेशन है समझाने के लिए। ऐसे भी हो सकता है आपका कि रेडियस जैसे जैसे बढ़ते जाए तो करेंट का वैल्यू इंक्रीज होते जाए, यहाँ पर उतना और अंदर साइड उतना करेंट ना हो, यहाँ पर थोड़ा सा कम करंट हो, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, मतलब बाहर साइड करंट ज़्यादा रहे और अंदर साइड करंट कम रहे, तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। बट हर केस में जो करंट जो है, करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एरिया, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है आपको, तो आपको हर केस में निकालना ये रहेगा जितना भी डिस्टेंस रहेगा उसके अंदर में कितना करंट आया, बस इसमें जैसे देखना यहाँ 4 रेडियस पर देखना उसके अंदर में कितना करंट आया, सरफेस पर देखेंगे तो टोटल करंट ही आएगा, बाहर में देखोगे तब भी टोटल करंट ही आएगा, तो बाहर और सरफेस में कोई चेंजेस नहीं है, जो इन्फिनिटी वायर का फार्मूला लगता है वही लगा करेगा, बट अंदर वाला में थोड़ा सा चेंजेस होगा, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है करेंट जो है, तो उसे हम लोग निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, आई इनक्लोज, करेंट डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट, करेंट डेंसिटी दैट मीन्स करेंट पर यूनिट एरिया, आई बाई ए इज अ कॉन्स्टेंट, करेंट डेंसिटी कॉन्स्टेंट है तो आई बाई ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना एरिया में, तो आई बाई ए जो है इसे लिखो करेंट पर यूनिट एरिया, तो टोटल करेंट लेंगे तो टोटल एरिया, तो टोटल एरिया कितना है बताओ, पाई आर स्क्वेयर, तो आई करेंट जो है पाई आर स्क्वायर में बटा है, तो अंदर में जो होगा ये आई डैश, तो आई डैश जो करेंट होगा वो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में बटा होगा ना, वो कितना एरिया में बटेगा, यहाँ पर जो है आई इनक्लोज निकाल रहे हैं वो स्मॉल आर एरिया में, स्मॉल आर रेडियस वाले एरिया में कितना एरिया, मतलब कितना करंट है, वो तो करंट डेंसिटी दोनों के लिए सेम है आपका जो है, आई बाई पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आई डैश बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों के आपके लिए क्या रहेगा, ये जो है सेम है आपका, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ओके तो यहाँ से आप आई डेस निकाल सकते हैं, तो आई डेस का वैल्यू आपको मिलेगा पाई, और पाई तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर आई, तो ये आपका मिल रहा है आई डेस, ये क्या मिला आपका जो है आई डेस मिल रहा है, आई इनक्लोज मिल रहा है, ठीक है। अगेन यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, हम लोग अब एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करते हैं ना अपने, ठीक है, मयंक पांडे प्रेजेंट से लिखे हैं सर, इस चैप्टर के लास्ट में बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट डेरिवेशन और टॉपिक बता देना प्लीज। हाँ ठीक है, बता दूंगा, और आप लोग के डेरिवेशन के लिए, डेरिवेशन जो है ना उसके लिए एक आपका एक शॉर्ट वाला सीरीज लाऊंगा मैं, मतलब उसके स्टेप को लिख लिख के एक पैटर्न, एक बहुत अच्छा है डेरिवेशन को रिवाइज करने के लिए, ठीक है, अभी उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन वो डेरिवेशन को कैसे रिवाइज करना है और एक ही पेज पे आपका रहेगा पूरा डेरिवेशन आपका जो है, 2-3 चैप्टर के एक डेरिवेशन, मतलब पूरे डेरिवेशन स्टेप के साथ रहेगा, ठीक है, उसे बताऊंगा बाद में बताऊंगा, उससे बहुत जल्दी आपको याद होगा और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे उसके बेस पर जो है। चलो इसको देखते हैं, अभी जो आई डेस निकल गया, अब यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो सर एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर डी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ, ओके। अब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पर बी डॉट डी एल, ये रेडियस सेम है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वही यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, वहाँ पर भी, सभी जगह सेम होगा, तो बी तो यूनिफॉर्म बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एंगल जो बनेगा, सबसे पहले कॉस 0 लिख देता हूँ, बी डी एल कॉस 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई का जो वैल्यू है आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ठीक है, थोड़ा
थोड़ा साइड कर देता हूँ। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड का वैल्यू यहाँ पर लिखे हैं, चलो उसे अगले स्टेप में लिख देंगे, ठीक है। आई इनक्लोज्ड यहाँ पर आई जैसे, तो यहाँ पर कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, बी क्योंकि सभी जगह सेम होगा तो बी को बाहर कर दिया और ये डी एल का सम बचेगा, ठीक है। इधर हो जाएगा म्यू नॉट आई डेज का वैल्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर आई, ओके। हाँ तो यहाँ पर बी डी एल का सम करेंगे तो ये डी एल का सम करूँगा, सर्कमफेरेंस के बराबर होगा, तो टू पाई आर, टू पाई आर इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू नॉट आर स्क्वायर आई बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ओके। एक आर यहाँ से कैंसिल हो जा रहा है ये वाला आर से, तो बी का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है म्यू नॉट अपॉन टू पाई, म्यू नॉट अपॉन टू पाई, ऊपर में मिल रहा है आपका जो है आई बाई आर स्क्वायर आर, ओके। इसी को दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो इधर हो जाएगा टू आई बाई आर स्क्वायर स्मॉल आर, ये जो है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको जो है इनसाइड इनसाइड द सिलेंड्रिकल वायर मिलेगा। ये नीट में इससे क्वेश्चन आता है, ट्वेल्थ बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे जो है, ठीक है। जेई में भी पूछा जाता है, मेंस में, जेई मेंस। कैमरा रुक गया, चलो इसको नोट कर लो आप लोग। चलो हो गया, अब इसका ग्राफ बनाते हैं ना, अब इसका हम लोग जो है, अच्छा इसको देखेंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई बाई आर जो होता है वही फार्मूला है टू आई बाई आर। एक चीज आपका है यहाँ पर आर स्क्वायर हो गए तो उसका एक यूनिट को काटने के लिए ऊपर में स्मॉल आर है, क्या बोला जा रहा है, इन्फिनिटी वायर के कारण रहता। देखो आपको याद कैसे रखना है, देखो ना, ठीक है। आउटसाइड बोलेगा तो इन्फिनिटी वायर के कारण था, वैसे ही है बी इक्वल टू आउटसाइड बोला जाए ये म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई बाई आर। बी सरफेस पर बोला जाए तो ये है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई बाई कैपिटल आर। बी इनसाइड बोला जाए तो यहाँ पर है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई ये टू आई, नीचे में है आर स्क्वायर, यहाँ पर आता है ये आर। ये है आपका जो है तीन फार्मूला हम लोग पढ़े जो है आउटसाइड जो है। अच्छा अब इन्फिनिटी से जो है इसको इन्फिनिटी से कंपेयर करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ जो है ना। इन्फिनिटी वायर के कारण जो पढ़ते थे हम लोग जिसका सिलेंड्रिकल नहीं मतलब रेडियस को नेग्लिजिबल मानते थे, ये रेडियस नहीं रहता था, पहले इसका ग्राफ बना ले क्या, चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का। हाँ देखो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, करेंट ऊपर के साइड जा रहा है थ्रू आउट द एरिया, बटा हुआ है करेंट इसमें, इसी का अगर टॉप व्यू देखा जाए तो टॉप व्यू देखा जाए तो कैसे ये वाला जो है करेंट ऐसे ये बाहर के साइड जा रहा है, ऐसे है ना,
तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहे हैं, ये लाइन आ रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पर, ये स्मॉल आर है, इस तरफ बी है, इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, इस एक्सिस में आपका डिस्टेंस है। अच्छा देखो यहाँ पर जब ये आउटसाइड देखेंगे तो आउटसाइड देखोगे तो आपको पता चल रहा है बी आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो आउटसाइड जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो ऐसे ये डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है इस रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, सही लिखा हूँ, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अच्छा ये बी सरफेस पर देखेंगे तो यहाँ पर स्मॉल आर तो है ही नहीं, तो इस केस में आपका जो बी सरफेस जो है ये कांस्टेंट है, ये आपका, और ये एक मैक्सिमम वैल्यू, यही जो है मैग्नेटिक फील्ड का क्या है सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, ये कांस्टेंट है ये वाला। तो एक मैक्सिमम वैल्यू कोई भी एज्यूम कर लेता हूँ ये बी सरफेस पर जो है, तो इतना ये मैक्सिमम वैल्यू है ये वाला बी सरफेस पर जो है ना, ठीक है। तो इस समय मिल रहा है स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल होगा इस समय पर। अच्छा आगे देखते हैं, ये बी इन साइड देखते हैं, तो बी इन साइड में क्या पता चल रहा है कि बी इन साइड जब देखेंगे इन साइड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है ये वाला, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, और ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा ना, क्योंकि सेंटर पे कोई करंट इनक्लोज नहीं होगा, तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ये ऐसा जो है, तो ये इसका ग्राफ होगा, ठीक है। हॉलो सिलेंडर रहता है, अगर क्या रहता आपका जो है हॉलो सिलेंडर रहता, हॉलो सिलेंडर रहता तो उसका ग्राफ कैसे बनता, तो हॉलो सिलेंडर रहता ऐसे टाइप का रहता, और इसमें ये करंट सिर्फ इसमें किनारे किनारे बस में रहता ये, और ये बीच में जीरो रहता ना, ठीक है। तो बीच में जीरो रहता तो इसके कारण जो ग्राफ बनता, इसके कारण ग्राफ कैसे बनता देख लीजिए, इसके कारण ग्राफ ऐसे टाइप का बनता है, यहाँ शुरू होता है और ऐसे टाइप का, और अंदर में मैग्नेटिक फील्ड सीधा जीरो, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। और ये डेस्टेस है, इस जगह से ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये बी होता है और ये जो है आपका स्मॉल आर। तो आपको डिफरेंस समझ आ रहा है, आपको डिफरेंस जो है क्योंकि इसमें थ्रू आउट एरिया में करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए आपका ऐसे ग्राफ बन रहे हैं। अगर सरफेस पर बस करंट फ्लो हो, किनारे किनारे बस में अंदर हॉलो हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ इस तरीके से आपका बनेगा। ये दोनों ग्राफ को बना लीजिए और ग्राफ को इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। किनारे हो जाता, हाँ हाँ ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। ओके अब आपको एक ट्रिक बताया जा रहा है, क्या ट्रिक बताया जा रहा है देखो, इसको मिटा देता हूं ना, अभी सिम देखो, यही जो फार्मूला आया है ना, इस साइड जो फार्मूला आया है सिम देखो, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाला में जो है इस वाले में आई इन आई बाई पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आया था आई डैश बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यही था क्या, ये वाला जो है आई बाई पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आई डैश बाई पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर था ना, ठीक। तो ये पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इधर जाएगा, तो आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर आई इक्वल टू आई डैश था, ठीक है।
ये जो है तो मैं इसको आई डैश में रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। आई डैश में रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्मॉल आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। ये वाला जो फार्मूला है इसको स्मॉल आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, देखो यहाँ ऐसा करने से ये फ़ायदा हो जा रहा है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये है आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आई, तो आर स्क्वायर ये आर स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला जो टर्म है, ये वाला देखो आई स्मॉल आर स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर, और ये आई भी है ना, तो ये बन जाएगा आपका आई डैश बन जाएगा, तो ये 2 आई डैश बाय आर। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड जो निकल रहा है वो निकल रहा है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई डैश बाय आर, 2 आई डैश बाय आर, ठीक है। हाँ बट आई डेज का वैल्यू पता नहीं है, तो ज़्यादा बेटर है कि इस लैंग्वेज में लिखे, यहाँ पर पहले लिखे थे वो जो है। बट एक चीज़ मैं समरी करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये फार्मूला को देखो, ये फार्मूला को देखो, और ये फार्मूला को देखो, ये तीनों फार्मूला में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है जिसके बेस पे हम लोग समरी कर सकते हैं, एक बहुत अच्छे कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि यहाँ पर जो ये बी आउटसाइड जो है आपका, इसमें है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अच्छा जितना डिस्टेंस पर पूछा जा रहा है वो डिस्टेंस है यहाँ पर, और 2 आई का वैल्यू क्या है बताओ। आई बाहर से देखेंगे, अगर बाहर से देखेंगे तो आई का वैल्यू, तो आई इनक्लोज हुआ ना, टोटल करेंट उसके अंदर में जो आ रहे हैं, तो ये आई है आपका, आई इनक्लोज है यहाँ पर, ठीक। इसको देखेंगे अगर आप कैपिटल आर डिस्टेंस पर देख रहे हो यहाँ पर, ये बी सरफेस पर जो है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2 आई, आई भी तो आई इनक्लोज ही है ना, और जितना डिस्टेंस पर पूछा जा रहा है उतना डिस्टेंस पर यहाँ पर देखेंगे और ऐसे डैश करेंगे, पूरा करेंट ही तो आ रहा है ना, और इतना डिस्टेंस पर पूछा जा रहा है तो कैपिटल आर डिस्टेंस है यहाँ पर। सिमिलरली इसमें देखेंगे ये वाले में, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई डैश बाय स्मॉल आर, 2 आई डैश मतलब अंदर में अगर पता करें तो उसके अंदर में कितना करेंट आया, वो आई डैश हो जाएगा आपका, वो करेंट आई डैश हो जाएगा, और ये डिस्टेंस आपका आर हो जाएगा। तो ये सारे जो फार्मूला है, ये सारे जो फार्मूला है आपके, ये फार्मूला है ड्यू टू इन्फाइनाइट करेंट कैरिंग वायर के कारण, ठीक है। सारे फार्मूला ड्यू टू इन्फाइनाइट करेंट कैरिंग वायर के कारण है। आपको ध्यान देना है आई और आर, क्या ध्यान देना है आई और आर। तो इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, देखिएगा, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, इन्हीं ट्वीट में क्वेश्चन बनाओगे जिसमें बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये ग्राफ तो आप लोग बना ही लिए होंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हिंदी इंग्लिश मिक्स में एक स्टेटमेंट नोट करिएगा, और ये यूनिफॉर्मली बटर है या नॉन यूनिफॉर्मली बटर है, सबके लिए सही होगा। यस राजस्थान तांटिया, हाँ ये 11th क्लास के हैं सर। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 बट आई स्टिल यूज टू वॉच योर वीडियोज, धन्यवाद, थैंक यू। उनका बोलना है सर 11th का भी वीडियो बनाइए, 11th का अभी तो नहीं बोलूँगा मैं, बनाऊँगा ऐसे करके, क्योंकि 12th का पोर्शन को मैं बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ आपका जो है, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पर और पूरा डिटेल में आपका जो है। तो 11th का अभी तो स्टार्ट नहीं करूँगा, उसका डिफरेंशिएशन वैसे बेसिक मैथमेटिकल पार्ट को कर दूंगा, या कुछ कुछ चैप्टर में आपको डाउट जाएगा वो चैप्टर को बोलोगे तो कर दूंगा ऐसे जो है, बट पूरा चैप्टर मैं अभी अभी तो नहीं कर पाऊंगा, ज़्यादा लोड हो जाएगा वो जो है। हाँ चलो देखो, अब इस पे हम लोग समरी करते हैं ना, क्या समरी करते हैं, ये सारे जो है इन्फिनाइट वायर के कारण है ना, तो आपको क्या समरी किया जा रहा है। हाँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल वायर, ये अगर आपको पूछा जाए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अगर है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितने डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया हो उतने
उतनी डिस्टेंस का रेडियस लेकर, उतनी डिस्टेंस का रेडियस लेकर, उतनी डिस्टेंस का रेडियस लेकर डैश 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 करके, ये आप लोग लिख लेना ना, ये डैश 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 करके एक लाइन में बंद करो, एक लाइन में वायर को बंद करो, ठीक है, एक लाइन में वायर को बंद करो, इसे नोट करिएगा ना, ठीक है, बहुत काम का है, एक लाइन में वायर को बंद करो, उस वायर के अंदर जितना करंट आया उसे एक्सिस पर कंसंट्रेट करके एक्सिस पर कंसंट्रेट करके, यहां लिखता हूं, एक्सिस पर कंसंट्रेट करके उतने ही डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट वायर का फार्मूला लगाएं, ठीक है, ये अपना समरी हो गया, दिस इज अवर समरी, ये मेरे तरफ से आपके लिए एक समरी है, जिसको आप कैसा भी शेप रहे, सिलेंड्रिकल शेप में कैसा भी चार्ज मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूट रहे, आप यूज़ कर सकते हैं इसको जो है। तो इसमें मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, देखो ये जैसे ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये थ्रू आउट द वायर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और आपको इस जगह पर पूछा जाए, यहाँ ये अंदर में पूछा जाए इस जगह पर, तो आपको क्या करना है, जितना रेडियस जिस जगह पर पूछा जाए तो एक्सिस से उतने डिस्टेंस का रेडियस लेके एक सर्कल बनाना है आपको, एक लेंथ से उसको बंद कर देना है, उसके बाद इसके अंदर जितना भी करंट आया, तो कितना करंट आएगा बताओ, इतना करंट बस तो आएगा ना, इतना करंट आया तो उसको इतने इसमें जो करंट आया उसको उसके एक्सिस पर कंसंट्रेट कर दो, तो आई डैश अमाउंट जो चार्ज आया इसके अंदर में जो चार्ज आया वो आई डैश है, और टोटल में जो है टोटल आई है आपका, टोटल आई करेंट फ्लो हो रहा है, टोटल आई है, बट इसके अंदर जितना भी करंट आया उसे आप किसी तरीके से निकाल लीजिए, और उसको आप सेंटर पर कंसंट्रेट करके एक्सिस पर कंसंट्रेट करके उतने ही डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का, इन्फाइनाइट वायर के मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला यूज़ करें। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनाइट वायर का जो फार्मूला होता है ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर होता है ना, ये वाला जो होता है, तो 2 आई की जगह आपका आई इनक्लोज कितना है उसे देखना है आपको, तो आई डैश आया है और उतने ही डिस्टेंस पर, तो यार डिस्टेंस पर पूछा है, आर आ गया आपका जो है, ठीक है। अच्छा आपको सरफेस पर लिखना है, इस जगह पर लिखना है, ये बी सरफेस लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा इसको इतना रेडियस लेके पूरा इनक्लोज कर दो तो कितना करंट आएगा बताओ, सभी करंट आ जाएगा ना, तो सभी करंट आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 आई बाई आर, आर की जगह उतने ही डिस्टेंस पर लिखना है तो ये कैपिटल आर हो जाएगा आपका जो है, ठीक है। अच्छा आपको बाहर में पता करना है, यहाँ पर पता करना है, तो आप इतना रेडियस के ऐसे सर्कल बनाओ, ठीक है, ये यहाँ पर ये वाला जो है मान लो एक्स डिस्टेंस ले लिए, इतना रेडियस का सर्कल बनाओ और उसके में जितना भी करंट आया तो ये टोटल करंट आ जाएगा ना, आई करंट पूरा आ जाएगा इसका सर्कल बनाएंगे तो उसके कारण इन्फिनाइट का फार्मूला लिखोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई इनक्लोज इसके अंदर तो टोटल करंट आ गया 2 आई बाई, जितना डिस्टेंस पर बोलेगा उतना ही डिस्टेंस पर तो 2 आई बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिर्फ ये जो स्टेटमेंट है इसको याद रख के अंदर बाहर कहीं पर भी आप जो है मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट वायर का फार्मूला यूज करना है, बट आपको निकालना पड़ेगा आई इनक्लोज, तो जैसा क्वेश्चन देगा उसके अंदर आपको आई इनक्लोज निकालना पड़ेगा, कितना अंदर में करंट होगा उसके अनुसार से फिर ये फार्मूला को बस आपको यूज कर देना है आपको जो है, ठीक है, समझ आ रहे हैं आप लोग को।
एक्स जो है आर प्लस एक्स बोल रहे हो, यहां से लिया हूं एक्स, यहां से एक्सिस से, एक्सिस से देखना है ना आपको जो डिस्टेंस जो रहेगा। स्टेटमेंट नोट कर लीजिए आप लोग, पहले क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही, अगले क्लास से क्वेश्चन करेंगे, ये स्टेटमेंट को नोट कर लो आप लोग, और याद भी रखना है ना इसे, ठीक है। अब चलो ऐसे टाइप का मान लो दिया है, इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं। ऐसे जैसे दिया है, ये सिलेंडर है, ये पूरा बड़ा सा है ना, इनफाइनाइट वायर है, लगाओ लॉन्ग सिलेंडर है, इसमें ये कैसा है, ये जो है ये रेडियस R1 है और ये वाला रेडियस R2 है, और करंट जो फ्लो हो रहा है इसके बीच में, ये अंदर होलो है, अंदर होलो है, और आपका जो ये वाला जो बस पार्ट आपका सॉलिड है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा आपका जो है, ठीक है, ये वाला इसमें करंट फ्लो होगा ना, बीच वाले हिस्से में करंट फ्लो होगा क्या, नहीं होगा, समझ आ रहा है ना इसको, है ना। इसी का मैं टॉप व्यू अगर बनाऊँ, इसी का टॉप व्यू बनाऊँ, तो टॉप व्यू बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, ऐसा है ये, ठीक है, और ऐसा है ये, और इसमें बस करंट है इसमें, तो आपको अलग अलग जगह पर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए इस डायग्राम में आपको जो है, ठीक है, तो कैसे बनेगा, कैसे बनाएंगे इसको, देखते हैं उसका कॉन्सेप्ट जो है, अभी जो स्टेटमेंट लिखे उसको कैसे अप्लाई करेंगे, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ऐसा जो इसमें करेंट है और ऊपर से बनाया जा रहा है, टॉप व्यू है, यहाँ से ऊपर से देखने पर ऐसे दिखेगा, और ये जो R1 रेडियस है, ये वाला आपका R2 रेडियस है। सबसे पहले देखें आपका अलग अलग पॉइंट पर देखा जाए, सपोज करिए आई करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, टोटल आई करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो आई करंट कितना में बटा है बताओ, आई करंट जो बटा है ये अंदर वाले एरिया में बटा है, तो अंदर वाला एरिया क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है, ये इतना एरिया में बटा है, करंट पर यूनिट एरिया जो लिखा गया वो क्या है, करंट पर यूनिट एरिया जो है, ठीक है। तो आपको मान लो इस जगह में ऐसे पता करना है आपको, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, सबसे पहले दो तीन पॉइंट बता देता हूँ ना, ठीक है, बाहर भी बोलेगा तो क्या होगा, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बोलेगा, तो इस जगह पर करेंगे तो ये डेस 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 करके जब गोला बनाऊंगा मैं ऐसे, तो इसके अंदर तो पूरा करंट आ जा रहा है ना, पूरा करंट आ जा रहा है, तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, सारे करंट आ जा रहे हैं, सारे करंट को सेंटर पर कंसंट्रेट करो, और इनफाइनाइट वायर के कारण उतने डिस्टेंस पर फार्मूला लिखो आप जो है, तो उतने डिस्टेंस पर फार्मूला लिखेंगे, तो ये उस तरफ दिखा रहे हैं ना, हाँ, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आई इनक्लोज 2 आई, तो 2 आई इनक्लोज, तो टोटल करेंट आ जाएगा इसमें, तो I/R हो जाएगा, तो आउटसाइड का मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लिखा जाएगा। बी सरफेस पर लिखेंगे, इसके सरफेस पर लिखूंगा तो डैश 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 करके गोला बनाओ, इसके कारण जितना भी करंट आया उसको सेंटर पर कंसंट्रेट करो, एक्सिस पर कंसंट्रेट कर दो, और मैग्नेटिक फील्ड का इन्फिनाइट वायर के कारण फार्मूला लिखो। तो यहाँ पर जब लिखना रहेगा तो डैश 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 करके जब गोला बनाएंगे सारे करंट आ जाएगा ना इसके अंदर का, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाए ये बी सरफेस पर हो जाएगा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा 2 आई, आई की जगह टोटल ही रहेगा, और ये R2 लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जो है इसके सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बोला जाए, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दैट मीन्स इस पॉइंट पर R1 रेडियस वाले जो है इस पर मैग्नेटिक फील्ड, तो डेट डेस करके गोला बनाएंगे, और ये गोला बनाएंगे देखेंगे तो आई इनक्लोज 0 है, अंदर में कोई करंट ही नहीं आ रहा है ना यहाँ पर जो है, तो अंदर में कोई करंट ही नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। आप ऐसे रखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई इनक्लोज, आई इनक्लोज 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। इसके अंदर में और बोला जाए आपको, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बोला जाए यहाँ पर, तो इतना रेडियस पर देखोगे तो डैश 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 करके गोला बनाएंगे, तो इसमें कोई करंट आएगा क्या, नहीं,
कोई करंट नहीं आ रहा है, आई क्लोज जीरो है, दैट मीन्स हियर मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो जीरो। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। समझ आ रहा होगा आपको कॉन्सेप्ट जो है कैसे यूज करना है आपको। अब लास्ट जो है दोनों के बीच में बोल दिया जाए आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर बोल दिया जाए आपका जो है यहाँ इस जगह पर बोल दिया जाए। ये जो है एक्स डिस्टेंस है, जहाँ एक्स के लिए क्या दिया गया है, आर वन से बड़ा है एक्स और आर टू से छोटा है, दैट मीन्स आर वन आर टू के बीच में है, यहाँ पर बीच में है ये वाला जो है। तो आपको देखना है कि उसके अंदर कितना करंट आया, कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके अंदर कितना करंट आया। तो आपको एक डैश 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 करके ऐसे गोला बनाना है ये, और आपको चेक करना है कि इसके अंदर कितना करंट आया। तो ये वाला जो पार्ट होगा, इस एरिया में जितना करंट आएगा, ये वाले एरिया में जितना करंट आएगा वो आपके लिए आई इनक्लोज होगा। तो ये वाला करंट अगर आप पता कर लिए तो इसको सेंटर पे कंसंट्रेट करके, एक्सिस पे कंसंट्रेट करके, इसके कारण इनफाइनाइट वायर का जो है फार्मूला लगा देंगे। इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। तो आई इनक्लोज इसमें कैसे निकालेंगे, तो टोटल एरिया में आई जो है टू आई, करंट डेंसिटी सेम है क्वेश्चन में अगर गिवन है, करंट डेंसिटी सेम है मतलब करंट पर यूनिट एरिया सेम है, जहाँ जहाँ है वो जो है अंदर होलो है तो वहाँ सीधा जीरो हो गया है करंट जो है। तो आपका ये टोटल आई करंट जो है ये इतना एरिया में बटा हुआ है, ये टोटल इतना एरिया में बटा हुआ है, तो पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन करेंगे तो ये एरिया आया है। तो अंदर में जो है ये वाला करंट निकालना है, तो उसको ले लेते हैं, आई डैश ले लिया, इस तरफ दिख जाएगा, आई डैश ले लिया, ठीक है। अब उसमें जो है थोड़ा सा कैमरा को टिल्ट कर लेते हैं, आप देखते हो आई डैश जो है, आप जो है ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, ये निकालोगे आप पाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिस्टेंस लिया गया माइनस पाई आर वन का स्क्वायर होगा ना, ठीक है। तो आपको क्लियर पता चल रहा है पाई कॉमन निकलेगा और कैंसिल हो जाएगा, तो आई डैश का जो वैल्यू आएगा, आई डैश का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये होगा आर टू का स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर, ये होगा आपका जो है, और इनटू में आई रहेगा, ये आई डैश हो गया। अच्छा अब ये करंट आपको पता चल गया, तो आपको सिंपली इनफाइनाइट वायर के कारण फार्मूला लगा देना है, ठीक है। ये पढ़े हैं ना यहाँ पर, जितने डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया हो उतने डिस्टेंस का रेडियस लेकर डैश डैश करके एक लाइन में वायर को बंद करें। तो जितने डिस्टेंस पर पूछा गया उतने डिस्टेंस का रेडियस लेके एक लाइन में डैश डैश करके सर्कुलर फॉर्म में वायर को बंद कर देना है। उस वायर के अंदर जितना करंट आया उसे एक्सिस पर कंसंट्रेट करके, उसे जितना करंट आया उसे एक्सिस पर कंसंट्रेट करके, तो यहाँ पर जितना भी करंट आया उसे एक्सिस पर कंसंट्रेट करके, तो ये ऐसे था, ये वाला आर वन था, ये वाला एक्स था ये जो है, और ये वाला उससे बाहर में आर टू था, इस तरीके से था। तो इसके अंदर में ये वाला जो पार्ट में जो करंट आ रहा है ऐसे करके इसको एक्सिस पर कंसंट्रेट कर देना, तो एक्सिस पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ तो आई डैश आएगा, और आई डैश का वैल्यू हम लोग को पता है उतना है वहाँ पर, एक्सिस पर कंसंट्रेट करके उतने ही डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर का फार्मूला लगाए। तो इतना डिस्टेंस पर मैं फार्मूला लगाऊंगा तो एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई डैश बाई एक्स स्क्वायर, ओके। तो इसी में मैं रख दूंगा तो मुझे मिलेगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई, ये हो जाएगा टू बाई एक्स स्क्वायर इंटू, वहाँ पर जो वैल्यू आया उसे लिख दिया जा रहा है वो है एक्स स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर डिवाइड बाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन का स्क्वायर आई, ये हो जाएगा लास्ट में आई है ना, ठीक है। तो ये जो है इस केस में इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो सिचुएशन अलग अलग हो सकते हैं आपके लिए, सिचुएशन अलग अलग हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हर तरीके से आप क्वेश्चन आएगा जिसको भी वो बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आज का टाइम 50 मिनट होने वाला है, अगले क्लास में क्वेश्चंस लूंगा जो है एससी वर्मा के क्वेश्चंस ले लूंगा, इसके बेस पर दिया है, आपके बोर्ड एग्जाम से भी क्वेश्चन ले लूंगा, ठीक है। तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा समझ आया कि नहीं, एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए मुझे, फिर आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आप जो है, क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे ना तो आपके डाउट अलग अलग उनके मन में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा उससे वो लोग पूछेंगे ना तो और अच्छे से आपका क्लास में मज़ा आएगा आप लोग को, ठीक है। कोई भी स्कूल के कहीं के भी रहे जो नीट जेई तैयारी कर रहा है या ट्वेल्थ में है उसको ये वीडियो
शेयर कर सकते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, फिर आज के क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल मिल